Good morning, 6th class. Today we are going to discuss page number 24 and 25, that is about the sense organ eyes. So before starting the lesson, you have to brush up yourself and you have to remember how many senses do we have. तो आप लोग सोचिए जल्दी से कि हमारी कितनी senses हैं और कितने sense organs हैं. As all of you know, we have got five senses. पांच senses हैं हमारी और इसी तरह उनसे related organs हैं. हमारी जो senses हैं वो हैं sight यानी देखना, hearing यानी सुनना, touch छूना, smell सूंघना एंड taste और चखना. ये पांच हमारी senses हैं जिनकी मदद से हम सारी दुनिया को देखते परखते और जानते हैं. अब जो है हर सेंस का अपना सेंस ऑर्गन है. सबसे पहली सेंस है हमारी साइट देखना, उसके सेंस ऑर्गन आई की बात करते हैं. आईज़ जो हैं आपको पता है हमारे फेस पे, हमारे फोरहेड के नीचे, हमारी स्कल के अंदर आई सॉकेट्स होती हैं. आई सॉकेट्स मतलब वो सुराख खोपड़ी में जिसमें हमारी आंखें महफूज हैं और इस वो इतने अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने वहाँ पे रखी हुई हैं कि कोई झटका कोई चोट उनको बराह रास्त इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाती. हमारी खोपड़ी ने, हमारी स्कल ने उनको सेव किया हुआ है और उनको उनकी जगह पे रखने के लिए अल्लाह ताला ने मसल्स अपॉइंट किए हुए हैं. और इसी तरह न सिर्फ ये हमारी खूबसूरती का बायस हैं बल्कि हमारे सेंसेस, हमारी साइट जो है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इनको बनाया है. वी हैव गॉट टू आईज़, दो आंखें हैं बेटे. आप एक आंख बंद करके देखें, आपको चीज़ों का एक एंगल नज़र आएगा. आप वो आंख खोल के दूसरी बंद करें तो चीज़ों का दूसरा एंगल नज़र आएगा. इसका मतलब है कि हमारी दोनों आंखें जो हैं वो चीज़ों को स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देखती हैं. और जब वो स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देखती हैं, स्लाइटली डिफरेंट इमेज वो देखती हैं और दिमाग हमारा जो है वो इन दोनों इमेजेस को इकट्ठा करके एक हमें थ्री डायमेंशनल चीज़ दिखाता है. इस चीज़ को हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन. इसको अंडरलाइन कीजिए. ये है स्टीरियोस्कोपिक विजन. क्या है कि बोथ ऑफ आवर आईज लुक अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल ऑफ थिंग्स एंड आवर ब्रेन कंबाइन दीज इमेजेस टुगेदर to form a three dimensional image. This is called stereoscopic vision. यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया. अब हम आते हैं आई की लेबलिंग की तरफ. ये हमारी आई के आउटसाइड से जो नज़र आती है वो तस्वीर है. दिस इज़ द इन साइड ऑफ द आई. हाउ डज आर आई लुक लाइक फ्रॉम इन साइड. तो ये देखते हैं और अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी लेबलिंग कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या है. तो सबसे बाहर वाला जो इसका हिस्सा होता है, इट इज़ अ लिटल बिट टफ, इट इज़ क्लियर. ये बाहर की झिल्ली होती है जो अंदर से सारी आँख को जिसने ढका हुआ होता है, ये क्लियर झिल्ली होती है. इसको हम कॉर्निया कहते हैं. कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे एक वाटरी लिक्विड होता है जो कि आई बॉल को उसकी जगह पे रखता है. ठीक है, दिस इज़ द वाटरी लिक्विड प्लेस. इट्स कॉर्निया, वाटरी लिक्विड. और इसके बाद आ जाता है हमारा आई बॉल. ठीक है जी, आई बॉल में एक हमारा लेंस होता है और एक आयरिस है. आयरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आर आई बॉल, जो आँख का डेला है जो आप नज़र आता है. उसके दो हिस्से आप देख सकते हैं, एक जो है वो हमारा कलर्ड हिस्सा होता है और एक बीच में ब्लैक वाला. तो जो कलर्ड हिस्सा होता है वो आयरिस है और बीच का हिस्सा लेंस है. ठीक है, अब आयरिस और आयरिस में जो छोटा सा सुराह होता है जो लेंस को एक्सपोज करता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं. उसको हम प्यूपिल कहते हैं. ये जो सुराह होता है, इट लेट्स द लाइट इनसाइड द आई सो दैट वी कैन सी द थिंग्स. ठीक है जी, और इसके बाहर ये रिंग ऑफ मसल्स है. ये आई बॉल को मूव करता है, उसको हरकत देने में ये हेल्प करता है. जेली लेंस के पीछे वही वाला वाटरी लिक्विड होता है जो कि जेली लेंस के आगे था. ये वही वाटरी लिक्विड है. एंड व्हाट दिस वाटरी लिक्विड डू, दिस वाटरी लिक्विड हेल्प द आई बॉल टू कीप इट्स शेप. आई बॉल क्योंकि जेली जैसा है तो ये जो वाटरी लिक्विड है ये उसको उसकी शेप में ठीक तरह से करके रखता है. दीज आर ऑल्सो मसल्स अटैच विद द आई बॉल. ये भी उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं.
अब इस वॉटरी लिक्विड के पीछे जो पीछे एक पर्दा जैसा है ये रेटिना होता है। रेटिना जो है ये वो जगह है जिसमें नर्व सेल्स होते हैं और यहाँ पे इमेजेस बनते हैं हमारी आँख में, जो भी रोशनी यहाँ से एंटर होती है और हम उसको देखते हैं। एंड हियर इज़ द ऑप्टिक नर्व, ये बंडल ऑफ नर्व्स है, बंडल ऑफ फाइबर्स है जो कि दिमाग को पैगाम पहुँचाता है कि ये चीज़ इस तरह की नज़र आ रही है, तो दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, हम ठीक तरह से देखते हैं। लेट्स लेबल वंस अगेन, कॉर्निया जो सबसे बाहर है, वाटरी लिक्विड, जेली लेंस, आयरिस, बंडल ऑफ मसल्स, रिंग ऑफ मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड दिस इज ऑल्सो द वाटरी लिक्विड। क्लियर हो गया, ये हमारी आँख की सारी फिजियोलॉजी है। अब हम बात करते हैं कि ऑन पेज नंबर 25 इट इज़ हाउ डज आर आई वर्क, हाउ डू आईज वर्क, आँखें काम कैसे करती हैं, हमें नज़र कैसे आता है। तो बेटे लेट सपोज हियर इज़ एन ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी छू के हमारी आँख में एंटर होती है, रोशनी एंटर होती है तो लेंस और कॉर्निया जो हैं वो उनको फोकस करते हैं रोशनी को अंदर की तरफ, तो पिक्चर कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर। लेकिन रेटिना के ऊपर जो पिक्चर फॉर्म होती है वो बहुत छोटी सी इमेज होती है और अपसाइड डाउन होती है, तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन को मैसेज देता है कि ये चीज़ नज़र आ रही है, ये पिक्चर वो ब्रेन को भेज देता है और ब्रेन का काम है इसको इंटरप्रेट करना और इसको समझना। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे, इसके साथ ही बटे वी हैव गॉट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, कभी आप देखिए या कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं तो उनने आपको चेक किया तो वो देखेंगे आँखों में टॉर्च से रोशनी डाल के देखते हैं, तो अगर आप किसी की आँखों में ऐसे हल्की सी रोशनी डाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो आँख का प्यूपिल है जैसे रोशनी ज़्यादा होती है वो सिकुड़ जाता है, और जब रोशनी कम रोशनी में बंदा होता है तो प्यूपिल फैल जाता है। दैट मीन्स कि ये जो आयरिस है, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये हरकत कर रहा है तो कम लेंस हमें नज़र आ रहा है, ज़्यादा लेंस एक्सपोज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, दिस थिंग ये जो प्यूपिल है इट लेट्स द लाइट इन, जब लाइट कम होगी तो ये फैल जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इन ले लाइट को इन करे और चीज़ों को देखने के काबिल हो, जब रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो ये सिकुड़ जाएगा ताकि प्रॉपरली ये चीज़ों को देख सके। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, नाउ योर वर्क इज़ टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड द होल टू पेजेस प्रॉपरली एंड देन विल डू द क्वेश्चन आंसर्स।